है दोस्तों, यहाँ पर शिकंजी का ठेला रुके हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है तो शिकंजी पियेंगे। ये देखिए अमिया, ये छोटी सी, और पुदीना, नींबू, ये भाई बना रहे हैं शिकंजी। क्या क्या डाल रहे हैं ये, और दोस्तों ये जगह है इंदिरा नगर। हम मेट्रो से अभी उतरे हैं और इंदिरा नगर आए हैं, और इंदिरा नगर से अब जाएंगे गोमती नगर की तरफ, जहाँ पर मेरे प्लॉट हैं वहाँ जाएंगे। देखते हैं क्या स्थिति है प्लॉट की, बचे हैं या क्या हुआ है। और ये देखिए मेरे पीछे हुए ये मॉल्स हैं, ये देखिए, ये देखिए हम पहुंच गए हैं खरगापुर। यहाँ तहसील भी गए थे पर तहसील में मैंने मोबाइल नहीं निकाला क्योंकि वीडियो नहीं बना सकते थे वहाँ पर। तो अभी जा रहे हैं प्लॉट की तरफ, और ये रोड जाती है हमारे वाले प्लॉट की तरफ अंदर। खरगापुर है एक जगह वहाँ के लिए। फिलहाल तो ये अभी गोमती नगर है दोस्तों, और ये मेन हाईवे है ऊपर मेरे पीछे, ये देखिए लिफ्ट की वीडियो चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब के साथ लिफ्ट में वीडियो। ये देखिए सामने है कृष्णा मेट्रो स्टेशन, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन, और ये देखिए मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। मैं आ गया हूँ वापस हल्द्वानी, और हल्द्वानी आने के एक दिन मैंने दोस्तों रेस्ट करा क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया कि मैं लखनऊ गया था, अपने घर गया था, और वहां थोड़ा जो प्रॉपर्टी का मेरा वो था, आपके आशीर्वाद से आधा काम मेरा हो गया है, आधा बाकी है, बाकी माता रानी ने कराएंगी। और दोस्तों जॉब पर भी पहुंच गया हूं अपने पसौली हटके में, और मौसम दिखाऊं आपको तो बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। वहां तो इतनी गर्म हो रहा था दोस्तों, लखनऊ में इतना गर्म हो रहा था, ये लगा लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या 40-42 टेम्परेचर तो कम से कम होगा। सुबह शाम नहाना पड़ रहा था, और मैं जिन भैया के घर गया था थोड़ा सा कुकिंग वगैरह भी करी मैंने, तो उनके किचन में इतना गर्म लग रहा था, मतलब ये लगा लीजिए पसीना नहीं रुक रहा था। और अभी देखिए मैं धूप में खड़ा हूँ फिर भी मुझे पसीना नहीं आ रहा। और ये देखिए पहाड़ों का मौसम, धुंध लगी हुई है आज तो, अब ये धुंध भी कह सकते हैं आप, और पहाड़ों में जो जंगलों में आग लगी हुई है उसका धुआं भी कह सकते हैं आप। नैनीताल की तरफ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, नैनीताल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और इधर भी हल्का हल्का धुंध है। धुंध क्या है दोस्तों, अभी मैं नीचे से जब आ रहा था ऊपर की तरफ तो देखा कि पहाड़ों में कई जगह आग लगी हुई है, कई जगह पत्ते पेड़ सब जल रहे हैं। गर्मियों में यही रहता है कि अगर हल्की सी भी चिंगारी मिल जाए तो आग लग जाती है जंगलों में। और ये देखिए अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, मैं पहुंच गया था 10 बजे ही आ गया था मैं, साफ सफाई वगैरह मैंने कर ली है, और सब कुछ मैंने बाहर टेबल कुर्सी सब निकाल दिया है बाहर। दो दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रहा था क्योंकि 2 बजे थी उसकी वजह। पहला ये थी कि हम अपनी प्रॉपर्टी के ढूंढने के लिए गए थे, तो बहुत जगह घूमे बहुत, क्योंकि मैंने बताया भी था आपको व्लॉग में कि जहां मेरी प्रॉपर्टी वहां इतना बन गया है कि पहचान में नहीं आ रही कि मेरी जमीन कहां पर है। फिलहाल सब कुछ तो पेपर वगैरह तो हमारे पास है पर वो नहीं पता चल पा रहा है कि कहां पर है जमीन, तो उसी को ढूंढने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर में, और चौधरी साहब मेरे साथ में, चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुरादाबाद के हैं वो और हम दोनों मिलके 4-5 किलोमीटर पैदल धूप में गर्मी में पसीना पसीना हो गए थे, फिर भी ढूंढ रहे थे, नहीं मिली दोस्तों। और अब ये काम तहसील द्वारा होगा, जो लीगल तरीके से होता है वैसे ही होगा, अब तहसील द्वारा होगा, वो लोग ढूंढेंगे जमीन को। तो चलिए कोई बात नहीं,
जमीन भी मिल जाएगी। और बहुत खुशी है दोस्तों मुझे कि जिन 20 सालों से मैं परेशान था, दुखी था कि मेरे प्रॉपर्टी के पेपर तक नहीं निकल रहे थे, वो चौधरी साहब ने निकाल दिए फाइनली। और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, बहुत हैप्पी हूँ आप लोगों का सपोर्ट। मुझे पता है कि जब आप मेरे रोते हुए ब्लॉग देख रहे थे तो आपने भी कुछ ना कुछ दुआ करी होगी अपनी तरफ से, और बाकी माता रानी का आशीर्वाद है। पहले ही नवरात्रे में मेरे पेपर मेरे हाथ आ गए थे दोस्तों, पहले ही नवरात्रे में। वहां पर जिनके हम गए थे लखनऊ में, जिनके हम गए थे उनका, उन्होंने माता की चौकी लगाई थी, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया आपको, उन्होंने माता की चौकी लगाई थी। हम उनका माता रानी का आशीर्वाद लेके अपने काम के लिए निकले और काम फाइनली हो गया। तो बहुत बहुत ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आपने थोड़ा सा भी दुआ दी होगी ना दोस्तों, तो वो डायरेक्ट लग गई मेरे, तो उस दुआ के द्वारा मेरा आधा काम हो चुका है और आधा काम बचा है, वो भी भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और दोस्तों अभी कर रहे हैं हम ग्राहकों का इंतजार, आज शनिवार है तो मैं चौमिन वगैरह भी लेके आया हूँ नीचे से, चौमिन भी उबालेंगे, चौमिन भी बनाएंगे। तो आधा पैकेट ही करूंगा, पूरा नहीं उबालूंगा, आधा ही पैकेट करूंगा, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से सिचुएशन दिखाई दे रही है बाहर की, मुश्किल लग रहा है कि कस्टमर आएंगे जैसे आते हैं शनिवार के टाइम, शनिवार के दिन, वैसा मुझे लग नहीं रहा कि आज आएंगे, क्योंकि नीचे भी चेकिंग वगैरह हो रही है और अब चेकिंग ज्यादा सख्त कर दी है क्योंकि पहाड़ों में लग रही है आग। अब वही है कि वहां नीचे से ऊपर आते हैं, बीच में जंगल में रुक जाते हैं, वहां पर अपना पीना खाना करते हैं, सिगरेट जलाते हैं, आग जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या वहां जला देके तिल्ली विल्ली आग वग छोड़ देते हैं। अब उनको इतना नहीं पता कि पहाड़ इस समय गर्मी हो रही है, पत्ते वगैरह सब सूखे हुए हैं, तो हल्की सी चिंगारी भी पूरे में आग लगा देती है। तो मैं आपसे कहता हूं प्लीज दोस्तों, चाहे आप मेरे हटके में ना आए, और भी यहाँ रेस्टोरेंट है उनमें आए, पर आप जंगलों में ना बैठ के ये तिल्ली माचिस और ये आग ना जलाएं प्लीज, क्योंकि जंगलों में जानवर भी हैं दोस्तों, अब वो आग लगेगी तो वो जानवर कहां जाएंगे बेचारे भाग के। तो प्लीज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्लीज बीच जंगल में ना बैठें और आग वगैरह ना जलाएं, प्लीज 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 दोस्तों। ये ऑर्डर आया है दोस्तों चाय का, मोमो चने का, और इससे पहले भी एक ऑर्डर था दोस्तों चौमिन का था, और अभी का ऑर्डर आया है चने का। तब मेरा फोन चार्ज नहीं था इसलिए मैं बना नहीं पाया ब्लॉग। वो एक और ऑर्डर आया मैगी और चाय का। फिलहाल तो सब फैमिली वाले ही चल रहे हैं आज, इससे पहले भी चाय और चने का था, मैगी और चाय का है। और दोस्तों बाहर का मौसम देखें, आज तो अब बज चुके हैं 4 और 4 बजे का मौसम है ये। देखिए नवरात्रे चल रहे हैं तो नॉनवेज का तो मतलब ही नहीं हुआ, और वेज में अभी फिलहाल अभी लोगों को पता भी नहीं है कि हटके दोबारा खुल गया है, क्योंकि मैं 5 दिन से बंदी था हटके। पैंथर को भी नहीं पता था, पैंथर भी एकदम आई, आते ही खुश हो गए मुझे देखते ही। और मौसम देखिए धुंध लगी हुई है। तैयार हो गया है दोस्तों मैगी और चाय, ये देखिए बन गई है मैगी और बन गई है कड़क चाय। बज गए हैं 5:30 और जितने ग्राहक आने थे आ चुके, क्योंकि आपको पता ही है कि वैरल पे चेकिंग है, उसके चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। और आज शनिवार का दिन, बल्कि आज के दिन तो ऐसा होना चाहिए था बम्पर बिल्कुल, पर कुछ नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आज नहीं तो कल होगी, पर आप व्लॉग में बने रहिएगा, मेरे व्लॉग देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल भी, देख रहे हो और जल्दी 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 बड़ा पढ़ो के खत्म, क्योंकि मुझे पता है आपके पास भी टाइम नहीं है,
मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, पर फिर भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए अगर आज की व्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो। बाय दोस्तों।